नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिनभर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए किया बिल पेश। मंत्री ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का रखा प्रस्ताव। वहीं इस बिल का कांग्रेस सपा समेत कई पार्टियों ने किया विरोध। वायनाड लैंडस्लाइड में एक रिपोर्ट के मुताबिक 138 लोग अब भी लापता। 10वें दिन रेस्क्यू जारी। 10 अगस्त को पीड़ितों से मिल सकते हैं पीएम मोदी। देश में पैर पसार रहा खतरनाक वायरस। पुणे में जीका वायरस के 7 नए केस आए सामने। कुल मामलों की संख्या बढ़कर 73 हुई। बांग्लादेश में हिंसा के बीच बनेगी नई सरकार। पेरिस से बांग्लादेश लौटे मोहम्मद यूनुस। सेना प्रमुख और छात्र नेताओं ने किया स्वागत। आज ही लेंगे पीएम पद की शपथ। भारत में घुसपैठ करने की फिराक में बांग्लादेशी आतंकी। खुफिया रिपोर्ट के बाद अलर्ट मोड पर बीएसएफ। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का हुआ निधन। 80 की उम्र में ली आखिरी सांस। बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों से थे पीड़ित। यूपी के प्रयागराज में आई बाढ़। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। घर दुकानें सड़कें डूबी। पानी में फंसे लोगों की छतों पर गुजर रही रातें। बात करें सोने चांदी के भाव की तो सोना चांदी की कीमतों में आई गिरावट। गोल्ड 98 गिरकर 68,843 पर आया, तो वहीं चांदी 559 गिरकर 78,600 रुपए प्रति किलो बिकी। शेयर बाजार में सेंसेक्स 581 अंक गिरकर 78,886 पर बंद। निफ्टी भी 180 अंक से फिसला। तो ये थी दिनभर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। दरअसल चंडीगढ़ में आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में किसानों, कच्चे कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों को लेकर सरकार ने कई फैसले लिए। हरियाणा की सैनी सरकार ने किसानों को बोनस देने की घोषणा की है। बता दें, हरियाणा के किसानों को प्रति एकड़ भूमि के हिसाब से 2,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। ये बोनस की राशि चालू खरीफ की फसल पर किसानों को मिलेगा। वहीं एक एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को बोनस के 2,000 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों की नौकरी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं बताते चले कि प्रदेश में लगभग 12 लाख कर्मचारी हैं। इन सभी कर्मियों की नौकरी को सुरक्षित रखने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार कच्चे कर्मचारियों के हित में लगातार काम कर रही है। पहले की सरकार अनुबंधन कर्मचारियों को लॉलीपॉप देती रही है, लेकिन भाजपा सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए एक्ट लेकर आई है। सरकार ने 2014 में ही कर्मचारियों के लिए एक्ट पास किया था, जिससे उनकी नौकरी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। ओलंपिक से बाहर हुई पहलवान विनेश फोगाट के समर्थन में अब हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराने का क्या कारण था। दरअसल अब विनेश फोगाट के समर्थन में खिलाड़ियों के साथ साथ नेता भी आने लगे हैं। इस कड़ी में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बात की जांच जरूर होनी चाहिए, फोगाट को अयोग्य ठहराने का क्या कारण था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में एक राज्यसभा सीट खाली है, अगर मेरे पास बहुमत होता तो मैं उन्हें राज्यसभा भेज देता। वहीं दूसरी ओर हुड्डा के इस बयान पर फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक स्टंट है। आज भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विनेश को राज्यसभा में भेजना चाहिए था, लेकिन गीता फोगाट को क्यों नहीं भेजा गया। उनकी सरकार के दौरान राज्यसभा में जब 2005 और 2010 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, तब बबीता फोगाट ने रजत पदक जीता था और गीता फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता था। करीब 3 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि सरकार में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से 1,20,000 कर्मचारी परमानेंट यानी सरकारी नौकरी में आ जाएंगे। दरअसल सीएम सैनी ने कहा कि राज्य में अब कच्चे कर्मचारियों को नौकरी नहीं दी जाएगी। कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक एक्ट लाकर उनकी सेवा को सुरक्षित किया जाएगा।
वहीं आउटसोर्स और HKRN के तहत लगे कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं CM ने साथ ये भी कहा कि कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन मिलेगा, सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को सरकार की इसी पॉलिसी के तहत मिलेगा। मुख्यमंत्री सैनी ने स्पष्ट किया कि सरकार जो पॉलिसी ला रही है उसमें 50,000 रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं से स्पॉन्सर कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। CM ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 17 अगस्त को फिर से कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाएगी। गुरुग्राम के पटौदी क्षेत्र के नानू खुर्द गांव में एक खाली घर में गांजे का जखीरा बरामद किया गया है। बता दें, गुरुग्राम पुलिस ने छापा मारकर 762 किलो अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत करोड़ों रुपए में है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर DLF फेज 4 क्राइम यूनिट की टीम ने रात नानू खुर्द गांव के एक घर में छापा मारा। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान टीम को प्लास्टिक की बोरियों में 762 किलो अवैध गांजा मिला। बाद में पटौदी पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात संदिग्ध के खिलाफ नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रिप सबस्टैंड एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। वहीं इतनी भारी मात्रा में गांजा मिलने के बाद पुलिस तस्करों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। बात करें हरियाणा की मौसम की, तो हरियाणा में 4 दिन बाद मानसून लौट आया है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल फरीदाबाद शामिल है। हालांकि कई जिले ऐसे भी हैं जहां मौसम साफ है। बात करें पंचकूला में भी मौसम साफ है, हालांकि हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, वहां बारिश के दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने इन शहरों में बिजली गिरने के खतरा भी बताया है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।